स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत पे झबेरा जजड़ी जो सड़क है उस पे हम पैदल चल के काफी दूर आ गए हैं और यहाँ पे कुश्ते का निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेपाली मजदूर जो है कुश्ता लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ये कुश्ता टूट गया था और इसे रिपेयर किया जा रहा है। ये जानकारी मिली है कि तो ये लगे कि ये किसी का पुस्ता है। ये दिखाने के लिए इसको बाहर से मसाला लगा दिया जा रहा है। जो बाहर से जो पत्थर लग रहे हैं उन पे थोड़ा सा सीमेंट लगा दिया जाता है और सीमेंट भी जो यहाँ पे यूज हो रहा है उसके भी आप समझ सकते हैं जब नमी आ जाती है तो उसके डले बन जाते हैं। देख सकते हैं सीमेंट जम गया है जगह जगह। ये बैग्स जो है इन्होंने नमी पकड़ ली है, काफी टाइम तक इन्हें स्टोर रखा गया होगा। तो ये सीमेंट की गुणवत्ता है। ये देखिए ये पत्थर जैसे जम गया है। उस तरह का सीमेंट यूज है। रेत की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। कंक्रीट तो लगता है कि आसपास से ही कहीं से उठा लिया है, वो भी तोड़ के जो गिट्टी बनती है वो नहीं है। तो एक मामला ये और प्रकाश में आया है कि इसमें जो पुस्ते लग रहे हैं, अब ये जानकारी भी मिली है कि ऊपर 7 किलोमीटर जाके एक स्क्रबर भी है जिसमें जो सरियाएं डाली गई हैं वो बहुत पतली डाली गई हैं कि उसके ऊपर कोई बड़ा वाहन निकल जाए तो वो नीचे दब सकता है। तो इस तरह की सारी चीजें हैं। ये सतपुली से आ रही है और ये कठुआड़ा से कट जाती है नीचे बड़ोल गांव होते हुए और जजेटी पे टच कर रही है। बड़ोल गांव इसका बेसिकली मेन पॉइंट है और एक रोड जो गुडंडा से होती है संगला कोटी गुडंडा भैड़गांव जो आ रही है वो रोड अभी बड़ोल गांव तक कनेक्ट नहीं हो पाई है। बीच में लगभग 1 किलोमीटर का जो दायरा था वो छूट गया, उसमें से 500 मीटर तो हो गया, अभी भी 600 मीटर के आसपास रहता है और वो अभी काफी टाइम से लंबित ही पड़ा हुआ है। उसके आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि वो इस कार्यकाल में भी जुड़ता हुआ नजर आएगा। देखते हैं। वैसे महाराज जी को बता दिया गया है, उन्होंने कहा इसका टेंडर भी निकल गया है, ठेकेदार भी नियुक्त हो गए थे, फिर अभी 2-3 दिन पहले सूचना मिली कि टेंडर जी निरस्त हो गया है, दोबारा फिर से टेंडर निकलेगा। अब देखते हैं कब तक निकलता है, क्या निकलता है। ये जो रोड है हमारी जो ये पूरे कोलाघाट 1 और कोलाघाट 2 को जोड़ते हुए जहरीखाल ब्लॉक को सबको टच करेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है और इस पे सरकार को बहुत तेजी से कार्य करना चाहिए था जो नहीं हो पाया है। और ये रोड का जो आप है ये रोड हमारी PMGSY के थ्रू बन रही है, इस पे काम चल रहा है। अभी बीच में थोड़ा सा यहाँ पे आप जो दिखा रहे हैं इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, तो जो बोल सकते हैं इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुई है। हमने जेई साहब को इसके लिए बता दिया था। PMGSY का सड़क का हम आज सुबह से मुआयना कर रहे हैं, उसके अंतिम बिंदु पर जहां तक हम पहुंच पाए हैं ये बड़ोल गांव है और बड़ोल गांव के पास एक स्पॉट हमें मिला है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहां पे धस चुकी है सड़क। यहां पे कोई पेंटिंग के ऊपर से कोई ट्रक निकला होगा तो ट्रक का जो वजन है उस टायर का जो वजन है उससे पेंटिंग यहाँ पे दब चुकी है। इसका सीधा मतलब ये है कि इसके नीचे जो पेविंग हुई होगी जो लेयर्स पेंटिंग से पहले बिछती है उनकी प्रॉपरली रोलिंग नहीं हुई है या वो लेयर जो है तीनों लेयर जो आरोप भी लगा रहे हैं ग्रामीण की वो प्रॉपरली बिछाई नहीं गई, वो कहीं ना कहीं संभावना बनती है कि ऐसी कोई संभावना यहाँ पे हो सकती है। आप आगे भी देखेंगे तो इधर भी यहाँ पे पेंटिंग उखड़ चुकी है। आप देखेंगे कैमरामैन को कहूंगा कोई नजदीकी से दिखाए थोड़ा सा आके, ये देखिए यहाँ पे भी धस चुकी है और थोड़ा आगे देखेंगे तो मिट्टी दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पे आप आगे देखेंगे इस तरफ ये भी उखड़ चुकी है और यहाँ पे तो मिट्टी नीचे जो इसके नीचे मिट्टी की लेयर रही होगी वो ऊपर आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि अगर ये मिट्टी ऊपर आई है तो जो पेंटिंग हुई है उसके एग्जैक्टली नीचे मिट्टी रही होगी तभी मिट्टी ऊपर आई है। इसका मतलब साफ सीधा ये है कि इसमें जो लेयर्स बिछी हैं, जो रोड़ा बिछाया जाना था, जो हार्ड कंक्रीट बिछना था वो इसके नीचे मौजूद नहीं था और इसी वजह से ये मिट्टी जब यहाँ पे ट्रक चला तो ये ऊपर आ गई है। तो निश्चित रूप से इस सड़क की गुणवत्ता पर सवाल तो उठाना जरूरी बन जाता है क्योंकि ये तो देखिए विजुअल बता रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ये तो साफ सीधा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमारी दरख्वास्त है सतपाल महाराज जी से जो कि PWD मंत्री हैं, वो अपनी विधानसभा की इस महत्वपूर्ण सड़क को जो कि पोखड़ा संगला कोटी को सतपुली से जोड़ेगी और एक बहुत निकट मार्ग बन जाएगा। अगर आप रामनगर की तरफ जाते हैं या रामनगर से इधर को आते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क ही होगी और काफी सुविधा भी इस इलाके के लोगों को प्रदान करेगी क्योंकि पहले से ही ये इलाका कटा हुआ है। चौबट्टा खाल से जो मुख्यालय है चौबट्टा खाल है या अन्य इलाके हैं सतपुली वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल रहता है।
तो हमें उम्मीद है कि हमारी इस खबर के बाद निश्चित रूप से जो पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट है उसके जो उच्चाधिकारी हैं वो जागेंगे, और अगर वो नहीं जागे तो पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज जो इस इलाके के विधायक भी हैं वो अवश्य इसका संज्ञान लेंगे और इस सड़क का या तो स्वयं मुआयना करेंगे या अपना जो उनका प्रतिनिधि होगा कोई उसको जरूर यहाँ पे भेजेंगे, जिससे इस सड़क की वास्तविकता जो इसकी गुणवत्ता है उसके बारे में जानकारी मिल सके। और अभी क्योंकि इसमें ठेकेदार को पूरा भुगतान भी नहीं हुआ है तो फिर ये सड़क अभी ठीक की जा सकती है, और जो 7 करोड़ की लागत से ये सड़क बन रही है 12 किलोमीटर, ये एक बढ़िया सड़क बनकर लंबे समय तक इस क्षेत्र के लोगों की सेवा कर सकेगी। जागो उत्तराखंड के लिए चौबट्टा खाल विधानसभा से आशुतोष नेगी।